मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 11% अधिक बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने सिंगरौली और सीधी में भारी बारिश के संकेत दिए हैं, जबकि शेष सभी जिलों में मध्यम और हल्की बारिश होगी। इसके अलावा मौसम विभाग द्वारा यह बताया गया कि मध्य प्रदेश में अभी तक सामान्य से 14% अधिक बारिश हो चुकी है। इनमें पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक एमपी के कई जिलों में मंगलवार को मध्यम बारिश हो सकती है। इनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, कला, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ जिले शामिल हैं। इसके अलावा कुछ जिले से भी हैं जहां पर हल्की बारिश होगी। इसमें शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दामोह, निवाड़ी, जबलपुर, मंडरा, डिंडौली, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर जिला शामिल है। पूर्वी में 11 और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17% बारिश। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी मध्य बारिश में सामान्य से 11% अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17% अधिक बारिश हुई है। इस प्रकार दीर्घ अवधि में औसत से 14% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। यदि पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश निवाड़ी में हुई है। यहाँ पर सामान्य से 52% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि पश्चिम मध्य प्रदेश में श्योपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यहाँ पर सामान्य से 88% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इन जिलों में सामान्य से कम बारिश मध्य प्रदेश में कई जिलों से भी है, जहाँ पर सामान्य से थोड़ी कम वर्षा दर्ज की गई है। इसमें बालाघाट, छतरपुर, रीवा, सतना ऐसे जिले हैं जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के दतिया, हरदा, इंदौर में सामान्य से थोड़ी कम बारिश दर्ज की गई है।